वेलकम स्टूडेंट। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे नीट 2020 के रिजल्ट के बारे में। तो आप सभी स्टूडेंटों को पता ही तो होगा कि जो नीट 2020 का रिजल्ट था वो 12 अक्टूबर 2020 को अनाउंस होने वाला था, लेकिन अब उसकी जो तारीख है वो पोस्टपोन कर दी गई है। अब वो रिजल्ट है वो 16 अक्टूबर 2020 को डिक्लेयर होने वाला है। तो इस वीडियो में इस बारे में डिस्कस करेंगे। जो ANI की जो रिपोर्ट आई है, जो उन्होंने ट्विटर पर ट्वीट किया है, तो इस वीडियो में इस बारे में बात करेंगे। तो उन्होंने इसमें ये बताया गया है कि जो 14 अक्टूबर है उन्होंने फिर से री एग्जाम जो नीट की है वो फिर से री एग्जाम कराने के लिए बात की गई है। अब री एग्जाम क्यों हो रहा है कि री एग्जाम इसमें इसलिए हो रहा है जो कोरोना पैंडेमिक में जो लोग जो स्टूडेंट जो इन्फेक्टेड थे और वो किसी कारणवश या किसी भी कारणवश या कंटेनमेंट जोन में थे या उस कारण वो नीट की जो एग्ज़ाम वो दे नहीं पाए थे, तो अब वो फिर से री एग्ज़ाम कराने की बात कर रहे हैं। तो अब जो री एग्ज़ाम है वो 14 अक्टूबर 2020 को होने वाली है। तो 14 अक्टूबर को ये जो कोरोना पेंडेमिक से जो इन्फेक्टेड थे या किसी कारणवश उन्होंने जो नीट की जो री एग्ज़ाम वो नीट की जो एग्ज़ाम वो दे नहीं पाए थे, तो उनके लिए एक और बार फिर से NTA जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें लिख रखा है, सुप्रीम कोर्ट ने अब उसको भी आदेश दे दिए गए हैं कि अब वो फिर से री एग्ज़ाम नीट की वो करा सकते हैं और वो लोग दे सकते हैं जो कोरोना पेंडिंग में इन्फेक्टेड थे या किसी कारणवश उन्होंने एग्जाम नहीं दिया था वो भी दे सकते हैं। तो जो वो 14 अक्टूबर को जो री एग्ज़ाम होने वाली है उसमें कैसे अप्लाई करें उसके लिए भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। तो इसमें ये लिखा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट अलाउ टू नीट एग्जाम टू बी कंडक्ट ऑन द अक्टूबर 4 स्टूडेंट हु वुड नॉट अपेयर फॉर इट ड्यू टू COVID-19 इन्फेक्शन बिकॉज ऑफ इट रिडिंग इन कंटेनमेंट जोन और रिजल्ट ऑन अक्टूबर 16। तो ये बताया गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने अलाउ कर दिया है नीट की री एग्ज़ाम कराने के लिए 14 अक्टूबर को जो होगी। तो उसमें उसमें लिखा गया वो लोग अपीयर नहीं होते जो कोरोना पेंडेमिक में इन्फेक्टेड थे या किसी कारणवश नहीं दिए थे, जो इस कारण वो कंटेनमेंट जोन में जो हो गए थे इस कारण दे नहीं पाए थे, अब वो 14 अक्टूबर को एग्ज़ाम वो दे पाएंगे। और साथ में लिखा गया जो एग्ज़ाम की जो डिक्लेयर की डेट है वो 16 अक्टूबर को हो जाएगा, दोनों का रिजल्ट 16 अक्टूबर को डिक्लेयर हो जाएगा। तो ये थी आज की जो खबर। तो यदि ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो सब्सक्राइब करो जल्दी से जल्दी। जय हिंद दोस्तों।